हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम कुछ दालों के बारे में, कुछ बीन्स के बारे में आपसे बात करेंगे, जो बिगनर्स हैं या जो गर्ल्स हैं, स्टडी करके बाहर जाती हैं, खुद खाना बनाना पड़ता है, या वो शादी के बाद खाने के लिए जब बनाने के लिए कुछ ढूंढती हैं तो अक्सर पूछती हैं कि ये कौन सी दाल है, ये कौन सा बीन है। तो मैंने सोचा आज आपको मैं बताऊं जितनी नॉलेज मुझे है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सोयाबीन से। ये है सोयाबीन, छोटा और थोड़ा गोल दाना होता है इसका, देख रहे हैं ना, वाइट होता है और हल्का सा ये इसमें निशान होता है। लोबिया में थोड़ा बड़ा निशान होता है लेकिन इसमें बहुत हल्का सा निशान होता है, जैसा कि वेजिटेरियन प्रोटीन्स नहीं ले पाते हैं। और सोयाबीन में हाई क्वालिटी प्रोटीन्स हैं। सोयाबीन में 9 ऑल एसेंशियल अमानो एसिड पाए जाते हैं, इसलिए सोयाबीन आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ये सोयाबीन कंटेन्स गुड फैट, ओमेगा 3 है इसमें, बहुत न्यूट्रिटिव है, तो आप इसको जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। इसको पीस के आप आटा बना सकते हैं, उस आटे को थोड़ा सा अपने आटे में मिला सकते हैं, यानी वेजिटेरियंस को अपनी डाइट में ये जरूर शामिल करना चाहिए। तो ये है सोयाबीन, आशा है आप अच्छे से अब इसको पहचानेंगे। और अब आते हैं, ये मटर है, सूखी हुई मटर है जो भिगोने के बाद हल्की हरे कलर हरा कलर आ जाता है। एक तो फ्रोजन आती है बट ये ड्राई है। जब आपका सीजन नहीं होता या तो आपके पास फ्रोजन मटर अवेलेबल होती है जो आप फ्रीज करके रखते हैं, और एक ये ड्राई मटर आती है जिसको ओवरनाइट अगर सोक करते हैं तो ये ग्रीन कलर की हो जाती है। इसी में व्हाइट मटर भी आती है, जो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बस कलर व्हाइट होता है, तो वो भी हम मटर चाट बनाते हैं तो उसको काम में लेते हैं। इसी तरह से मैं आज आपसे सारी दालों के बारे में बातें करूंगी। आज जैसा कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं दालों का और कैसे चने के बारे में, और बहुत बिगनर्स को और बहुत लोगों को नहीं मालूम है, कई बार आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहां भी लोग पूछ रहे होते हैं कौन सी दाल है मैडम, या लिस्ट बनकर आई है तो इसको क्या कहते हैं। तो मुझे लगा बेस्ट वे है कि ये दाल आपको बताई जाए, या जो भी रसोई में काम आने वाली चीजें हैं वो आपको बताई जाए। अब ये है देसी चना, इसको कहते हैं देसी चना, यानी इस ये है ब्लैक पीस, ब्लैक चिक पीस। तो ये जो चना है ये जब हम नवरात्र में फास्ट रखते हैं तब काम आता है, छोटा बनाते हैं उसको। और ये है सेम ही ब्लैक चिक पीस लेकिन थोड़ा बड़े साइज में। वो आपको फोटोज में नहीं लग रहा होगा, मैं यहां आपको दिखाना चाहूंगी। भिगोने के बाद ये इतना बड़ा बन जाता है, ये थोड़ा बड़ा बनता है। मैं इसलिए आपको बता रही हूं ताकि रेसिपीज जब मैं आपसे शेयर करूं तो आपको पता हो कि कौन सी ये रेसिपी है। तो ये हो गया ये वाला चना, आपने देख लिया है, ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा चना है। और जब हम बात करते हैं ये देसी चना की, तो जब हम इसको दलते हैं, इसका छिलका उतारते हैं, तो ये स्प्लिट बंगाल ग्राम यानी दली हुई चने की दाल बन जाती है। ये देखिए, ये है चना दाल जो बहुत पौष्टिक है खाने में भी और बहुत बढ़िया है। आप इसको किसी भी रेसिपी के साथ, जैसे चना दाल लौकी, चना दाल पालक ऐसे बनाते हैं, तो ये जब भी रेसिपी बनेंगी तो आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं पास में, इसको कहते हैं चना दाल स्प्लिट बंगाल ग्राम स्प्लिट चिक पीस। ये है ग्रीन चिक पीस, हरा चना जिसको हम सुखा लेते हैं, हरे चने को ही, ये इस टाइप से है। ये भी सोक करके बनाया जाता है, जब भी सोक करते हैं तो ये अच्छा फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। और ये है हमारा काबुली चना, आप देखिए, ये इसके बारे में कहते हैं कि ये काबुल से आया था इसलिए इसका नाम काबुली चना पड़ा, बट एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है। व्हाइट चिक पीस इसको बोलते हैं, सफेद चना बोलते हैं, छोले कहते हैं, जब आप छोले भटूरे खाते हैं तो यही चना यूज होता है। इसमें भी छोटा बड़ा साइज अवेलेबल है, इसको भी ऐसे बना सकते हैं। और ये है रोस्टेड चना दाल, यानी ये वाली चना दाल आप देखिए, ये चना दाल है और ये रोस्टेड है। ये चटनी बनाने में काम आती है, जब भी आप नारियल की चटनी, कोकोनट चटनी या साउथ इंडियन डिशेस बनाते हैं तो ये रोस्टेड चना दाल उसमें यूज होती है।
आते हैं उड़द दाल पर। ये देखिए, ये है उड़द दाल, उड़द दाल साबुत। इसको काली दाल भी कहते हैं, ब्लैक ग्राम भी कहते हैं, माँ की दाल कहते हैं। जो दाल मखनी बनती है वो इसी दाल से बनती है, यानी ये अक्की उड़द दाल, अक्खा उड़द दाल, पूरी साबुत, जो भी आप बोलना चाहें वही उड़द दाल है। अच्छे से देख लीजिए, ब्लैक कलर की होती है। मूंग हरी जो है वो हरे कलर की होती है, ब्लैक होती है। ऐसे ही ये, अब हमने इसको दल दिया है, सोचिए इसको थोड़ा दरदरा कर दिया है, हाफ हाफ कर दिया है। इसको कहते हैं उड़द दाल छिलका, स्प्लिट ब्लैक ग्राम, छिलके वाली उड़द दाल, ठीक है ना। और अब हम आते हैं, ये है उड़द दाल धुली, यानी इसका छिलका उतर गया है, स्प्लिट वॉश्ड ब्लैक ग्राम। जब आप दही बड़े बनाते हैं, दही बल्ला बनाते हैं, उड़द की दाल की कचौरी बनाते हैं, उड़द दाल धुली बनाते हैं, या फिर आप सूखी उड़द दाल बनाते हैं, उसमें सब में ये दाल काम आती है। ये सफेद कलर की होती है, तो आप अच्छे से पहचान लीजिए। आशा करती हूँ आपको इसमें मुश्किल नहीं आएगी। और इसी तरह की जो ये दाल है, अगर इसको दला ना जाए और साबुत ही उसको वॉश कर लिया जाए, तो बिल्कुल इसी तरह की, लेकिन वो गोल होती है, वो साबुत उड़द दाल मगर धुली हुई होती है, और वो है ये दाल। ये है साबुत है लेकिन धुली हुई है, यानी आपको मैंने चार तरह की दालें बताई हैं। ये साबुत उड़द दाल है, धुली हुई है, एक साबुत विद छिलका है, एक हाफ करके जो दली हुई दाल है, स्प्लिट है, वो छिलका है और धुली हुई है, यानी उड़द की दाल को ही कितने तरीके से खाया जाता है। अब आते हैं मूंग दाल पर। ये देखिए, ये है साबुत हरी मूंग, यानी होल मूंग दाल है ये। देखिए, इसको आप अंकुरित भी करते हैं और साबुत दाल भी बनाते हैं, और जब ये स्प्लिट कर देते हैं, ये स्प्लिट छिलका मूंग दाल हो जाती है, यानी मूंग दाल छिलका, स्प्लिट ग्रीन ग्राम, ठीक है ना, इस टाइप से हो जाती है। और यही जब आप इसको वॉश कर देते हैं और सुखाते हैं, तो ये हो जाती है स्प्लिट वॉश्ड ग्रीन ग्राम, यानी धुली मूंग दाल। ये जब कोई बीमार होता है तो मूंग दाल धुली बनती है, या खिचड़ी के लिए बनती है, तो ये है धुली मूंग दाल। तो जो भी, मैं आपको नेम्स मेरे मिस हो जाएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर दे दूंगी। आप इस आशा है इससे आपको अच्छे से पहचान हो जाएगी। मसूर दाल साबुत, ये साबुत वाली मसूर दाल है जो साबुत बनाई जाती है, और चावल के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तासीर में ये गर्म होती है, और ये छिलका उतारने के बाद, ये देखिए, छिलका उतार देते हैं तो ये इस टाइप की हो जाती है, यानी मसूर दाल धुली हुई। ये धुली मसूर दाल है, थोड़ा सा ऑरेंजिश पिंकिश शेड में होती है, आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और ये है साबुत मोठ, ये हल्का ब्राउन कलर सा होता है इसका, थोड़ी पतली होती है, और ये साबुत भी बनाई जाती है दाल की तरह, और अंकुरित करके भी खाई जाती है। मटकी, मोठ, इसको कई नामों से जाना जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी होती है। चना, हरी मूंग, मोठ, ये अंकुरित करके खाया जाता है। और ये है तूर दाल, ये देखिए, ये तुअर दाल है, ये बहुत पतली सी होती है, फ्लैट होती है, जबकि चना दाल इसी कलर की होती है बट थोड़ी मोटी होती है, यानी इधर से थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है और इधर से एकदम जैसे आधा कटा हुआ था उस टाइप से, थोड़ी मोटी होती है। ये चना दाल है और ये तुअर दाल है। तुअर दाल चावल बहुत शौक से खाते हैं सब, और इसका सांभर भी बनाया जाता है, अरहर दाल भी इसको बोलते हैं, स्प्लिट पिजन पीज इंग्लिश नेम है इसका, तो आशा है आप पहचानेंगे अब इसको बहुत अच्छे से। और ये है राजमा चित्रा, किडनी बीन्स कहते हैं इसको, और ये बहुत जल्दी पकता है, उबलने में इसमें कम टाइम लगता है, मुझे तो ये टेस्टी भी बहुत लगता है। और दूसरा है ये लाल राजमा, रेड किडनी बीन्स, ये थोड़ा ज़्यादा देर लगाता है पकने में और स्वाद भी थोड़ा डिफरेंट होता है। और ये है ब्लैक आइड पी
ब्लैक आइड बीन्स, लोबिया, चावला, इसको भी बॉईल करके इसकी सब्जी बनाई जाती है और बहुत अच्छी लगती है। और इसी को जब दला जाता है तो ये इसकी दाल टाइप बन जाती है। ये भी राजस्थान में मैंने पहली बार देखी, राजस्थान में मुझे मिली, अदरवाइज हर जगह हम साबुत ही खाते थे। और इसी का, इसमें दोनों साइज आते हैं, छोटा बड़ा। ये थोड़ा छोटा जो लोबिया है ये उसको वॉश करके, ये स्प्लिट वॉश्ड ब्लैक आइड पी है, ये देखिए ये इस टाइप का है। ये इससे भी मैंने दही बड़े बनाए थे, आपको एक बार पहले डाली है दही बड़े की रेसिपी, दही भल्ले की रेसिपी, और वो बहुत अच्छे बने थे। और ये दाल है छिलका, यानी छिलके के साथ है ये। तो ये तीन तरह के ये वैरायटी हो गई है, तीनों वैरायटी हैं इसमें ये। लास्ट में हम बात करेंगे राइस की, यानी ये है बासमती राइस। ये बहुत लंबा और पतला बनता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। हमारा हर स्टेट में राइस जो है वो बदल जाता है। ये है गोल्डन सेला राइस, जो पार बॉइल्ड होता है वो राइस है ये। ऐसे हमारे बहुत राइस आते हैं, सोना मसूरी है, इडली का चावल है, टुकड़ी है, पोना चावल है, फुल चावल है, बासमती है, बहुत सारी ब्रांड है चावल में, आप अलग अलग तरीके से खाते हैं। बट मैंने ये दोनों में डिफरेंस बताया है आपको, बासमती और ये, कलर में फ़र्क है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। जितनी भी चीज़ें किचन में हम यूज़ करते हैं मैं उनको नाम के साथ आपको डेमोंस्ट्रेशन देती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़, माई वीडियोज़।